छोटा सा ऊंट हो रहा है मार दीजिए को, क्योंकि है ना सुबह से लगे रहते हैं हम बिल्कुल। हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को मेरी तरफ से। और आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपने हमारे ब्लॉग देखे होंगे और कमेंट भी डाले होंगे, लेकिन मैं उनका आंसर अगली ब्लॉग में दूंगी। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आज बताऊंगी आप सभी को। और मतलब वैसे भाई लोग अभी बोल रहे थे कि ऐसे क्यों करते हैं आपकी तरफ, तो मतलब मैं उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, मतलब बाद में बताऊंगी। तो अभी बज रहे हैं 6 भी नहीं बजे हैं, अभी 6:15 की देरी है। तो अभी घर का तो सारा काम बाहर का हो गया है, जैसे कि बैसों को शांति ओवर ओवर झाड़ू निकालना बाहर से, तो वो सारा काम हो गया है। तो अभी तो हम और काम करेंगे जो बताएंगे क्या क्या कर रहे हैं। और इधर देखो बच्चे दोनों सो रहे हैं, अभी उनको पता ही नहीं कैसे कैसे सो रहे हैं। तो चलो फिर बाहर चलते हैं, फिर उसके बाद हम नहाएंगे भी। तो आज का दिन कैसा होता है, ईश्वर से आशा करते हैं कि अच्छा हो। तो चलो फिर हम जा रहे हैं बाहर। तो बाहर तो काफी सारा अंधेरा है, यहाँ पे जीजी बैठी है चूल्हा की बड़ा राबड़ी बना रही है, दिख ही नहीं रहा है, अंधेरा बहुत ज्यादा है। जीजी बोलो उजाला होएगा, अली उजाला नहीं हुआ है। तो जीजी बाट बना रही है, मतलब राबड़ी बना रही है, यहाँ पे अंधेरा ज्यादा है। अभी जीजी से सुबह अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे, तो कुट्टी छानूंगी, क्योंकि कुट्टी में बहुत ज्यादा मिट्टी है, तो आज कुट्टी छान लेती हूँ, अच्छे से छानेंगे, क्योंकि अंधेरे अंधेरे ही जल्दी छान लेते हैं आज कुट्टी। और दिन थोड़ी लेट हो गई थी मैं, कल तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। खैर अब मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं करते कुट्टी में से, छान लेते हैं। तो रुक जा। तो दोस्तों अब जाके लाइट आई है, करीब 6:30 हो गए हैं और तब से लाइट नहीं आई थी, तो मैं घर में पोछा मार रही थी, तो सारे घर में साफ सफाई कर दी है। झाड़ू तो मैंने नहीं निकाली थी, मैंने तो सिर्फ पोछा लगाया है, और अब घर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और अभी तो मैं चूगा डालने जाऊंगी, और ये सब जग गया है, ये सब लोग बेटा ये देखो बिल्कुल कैसे सोता है, सारे कपड़े खोल के बनियान फैल के। तो अभी मैं चूगा डालने ऊपर जाऊंगी, है ना सब, है ना। और ये सुन फोन ले लिया सुबह सुबह, तो चल बाहर जा, ये सुबह बाहर जा रहा है, मैं चूगा डाल के आती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊंगी। और अब तो काफी सारा उजाला भी हो गया है। तो अब आ गए हम नहाकर, इधर यसु भी डोल रहा है, क्योंकि इसको दूध भूख लगी है, इसको दूध चाहिए। और जीजी लेके आई थी हमारे दूध, क्योंकि वो क्या घर में तो होता नहीं है दूध, इसलिए लेट लेके आई थी। तो तब तक मैं नहा के आ गई, और अब मैंने दूध चढ़ा दिया। तो एक बार तो दूध गर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनको ठंडा करेंगे, फिर सभी को ओ फैल गया दूध देंगे। यसु को बहुत ज्यादा भूख लग रही है दूध की, हमें यसु भूख लग रही है ना आपको, इसको देखो कितनी ज्यादा भूख लग रही है, बताओ कितनी ज्यादा भूख लग रही है आपको, कितनी ज्यादा भूख लग रही है, थोड़ी सी लग रही है। तो अभी दूध चाय बना लेते हैं। तो यसु ने तो पी लिया दूध यहीं पे खड़ा होकर, और अभी हम बना रहे हैं चाय। तो चाय भी बन गई है, अदरक डाल के चाय बनाई है। तो अभी तो जीजी तो हमारी नहा रही है, तो हम पियेंगे। नितारा को एक बार तो दूध देंगे जो पीलेगी, फिर उसके बाद दूध नितारा, नितारा पी लिया दूध, अभी तो ये सोके मतलब जगी है, अभी तो दूध पिया है। और है ना कपड़े फैल लो सर्दी का। तो अब जा रहे हैं हम खेत पर सरसों काटने के लिए, और रोटी सब्जी मैंने नहीं बनाई है आज, मैं तो क्या शाम को बनाऊंगी। तो जा रही हूँ, जीजी भी आने वाली है, वो भी आरओ को रख दिया, छोटे से आरओ को, तो फिर पापा को देख आएगी। ओस बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह सुबह ओस हो रहती है सरसों के खेतों में, तो खैर बहुत ज़्यादा ही। तो आज हम इस वाले खेत में सरसों काटेंगे, देखते हैं कितनी कटती है। और बच्चों को भी कुछ काम वाम देखे आ गई हूँ, क्योंकि बाद में जाना पड़ेगा।
बहुत सारे भैया कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपके पूड़ी क्यों बांधते हैं सरसों की और खड़ी क्यों करते हैं, हमारे तो ऐसे नहीं करते हैं। हालांकि मैंने देखा है बहुत जगह नहीं करते हैं, पूड़ी भी नहीं बांधते हैं और बस काट के पटक देते हैं, फिर पालों से बेड़ी की जाती है। तो हम भी पाल से ही करते हैं बेड़ी, लेकिन इसको जब हम पूड़ी बांध के खड़ा कर देते हैं ना तो ये सूख भी जाती है अच्छे से, और फिर जब बेड़ी करते हैं ना तो बेड़ी करने में थोड़ी आसानी, जल्दी से बेड़ी कर देते हैं। और उसके बाद जब हम निकलवाते हैं ना सरसों, तब क्या होता है कि मतलब आराम से दो आदमी या फिर तीन आदमी आराम से मतलब सरसों निकलवा सकते हैं, जैसे कि थ्रेसर में होके निकलवाते हैं, गाड़ा देने में थोड़ी आसानी होती है। इसलिए यहाँ पे ना ये पूड़ियाँ लगाते हैं, तो वो जगह जहाँ लगाते नहीं है ना वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, या फिर ये चीज कर पूड़ियों वो जो सिरसों होती है ना लाण होता है भेड़ा कर देते हैं उसको ही चीज कर लगाते हैं थ्रेसर में, तो क्या उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, और इनमें दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल, इसलिए हमारे पूड़ी बांधते हैं। तो अब काटने लग गए सिरसों, और सिरसों में ना इस टाइम ओस बहुत ज़्यादा है, मतलब हाथ भी ठहर रहे हैं, तो अभी तो काट लेती हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने दो तीन पूड़ा ही काटे हैं, देखो बांध दिए हैं फिर से, क्योंकि अभी आगे से तो ये हरी है, तो अभी मैं और काट लेती हूँ, फिर बाद में मिलवाऊंगी कौन कौन कब कब आता है सब। तो अभी तो ये सिर्फ काटी है, थोड़ी सी काटी है, और अभी जीजी भी आ गई है, तो ये जीजी है, जीजी इधर देखना। जीजी सभी लोग पूछ रहे थे कि आपने पूड़ी क्यों बांधते हैं, पूड़ी क्यों बांधते हैं आपने? तो जीजी बोल रही है लेट आती है सिरसों। राम राम, बाज राम राम, बाय कर दो। तो वो सब सिरसों काटने जा रही है अभी। तो जीजी बोल रही है पूड़ी इसलिए बांधते हैं क्योंकि पूछ रहा है, हम भी बांधेंगे फिर, इसका मतलब क्या है? इसलिए बांधते हैं क्योंकि अगर लेट तक सिरसों आती है ना तो अगर ऐसे पूड़ी खुली छोड़ देते हैं पापा ही ना हो, जैसे थ्रेसर में निकलाते हैं और बारिश आती है ना एकदम, अगर मौसम खराब हो जाए ओड़ आ जाए तो पूरी सिरसों झड़ जाए, तो वो झड़ती नहीं है, इसलिए पूड़ी बांधते हैं और संग संग में सुआ भी लगा देते हैं। और यहाँ पे तो दोस्तों ना गेहूं के भी सुआ लगाते हैं, गेहूं काटते जाते हैं और सुआ खड़े कर देते हैं, तो इसलिए करते हैं सब हम लोग। आप भी करना अगर आपको अच्छा लगा है तो ये तरीका पूड़ियों का। और इधर नी तरफ पानी लेके आई है, बिट्टू भी आ गई, बिट्टू लो करो, दादू भी आ रहे, तो ये पानी लेके आई हम सभी को पीने के लिए, जाओ बेटा पानी। ये सुनी तारा डोड़ा से डोल रहे हैं, तो पियेंगे पानी, ये लो दे रही है। सबसे अच्छा पानी थोड़ी सब, तो पी रहे पानी, तो पापा जी हैं बच्चों के संग, वो में मोके वो छेट वहाँ मिल दे रहा है, जरा मोके थक जाएगी बड़ी तम। तो अब काटी है हमने ये वाली सरसों, 12 बज गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, भूख भी लगने लग गई है। मैं भी लाओ रोटी, शांति कर रहा हूँ, 12 बजे मैं जा रही हूँ घर, वापिस आऊंगी फिर, तो घर भी ये एरिया यहीं पे, घर के आगे के खेत में सिरसों काट रहे थे हम, तो यहाँ पे आ रही है थोड़ी सी, फिर यहाँ पे हरी हरी आ गई, तो जगह जगह से काट रहे हैं, जैसी आ रही है ना वैसे ही काटते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक बार तो करेंगे हम भैंसों को शांति, क्योंकि अभी शांति नहीं हुई है इनको, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। और अब आए हम भीतर, ये सुनीता रखो इनको फोन देख रहे हैं वो दोनों, खाना खाते खाते फोन देख रहे हो, और आप बेटो आप नहीं खा रहे खाना, खा रहे हो? अच्छा तो पानी पी लेते हैं, प्यास लग रही थी मेरे को बहुत ज्यादा। तो अब जा रहे हैं हम घर से वापस खेत पे, खाना खा के आए थे,
और पीछे पीछे यसु और विट्टू आ रहे हैं। वो दोनों क्यों आए तुम दोनों? जा बाय बाय कर जाओ दोस्तों से, बाय बाय जा। यह मत आ फसान में लग जाएगी। तो अभी तो यहाँ पे तो थोड़ी बहुत आ रही है जिसको काट रही है। ये सुन यहाँ मत आ फसान में लग जाएगी, जा कर जा। तारा देने आई पानी तो मैं भी थोड़ा सा पी लूं। मैं तो ये आधी सी बोतल क्यों ले रही है फिर से? ये सुने पटक दी तो और भर ले जा कू। और इधर कौन है? ए काई फिरा रही है? फिड़कन ने मेरी भी कौन ने बनाई? दादा ने। तो भी अच्छी हो? यीशु को भी। यीशु को बनाई? येलो बनाई पर वाज फिराए कौन ना फिराए यीशु के? थोड़ थोड़ फिरा बस झुकारी पी लिए माई पी लेती। तो अभी हमने ये सिर से काटी है और आज तो बदल भी हो रहा है और इधर तो थ्रेसर चल रही है, कुटाई हो रही है किसी की सरसों की। तो अभी पियेंगे हम पानी फिर वापस काटेंगे सरसों। बीत गो तो इधर तो थ्रेसर चल रही है। अभी तो हमारी तो बहुत लेट कुटने वाली है सरसों, अभी तो बहुत ज़्यादा। अभी तो इसको काटेंगे, ये रह रही है। तो इधर यसु नितारा दोनों खड़े हैं घर के डंडा पर, उनके दादाजी पानी पर हैं भैंसों को और हम अभी सरसों ही काट रहे हैं। अभी बज गए 4:30, तो अभी तो और काट देते हैं थोड़ी बहुत। अभी तो हरी हरी आ गई है फिर से और देखते हैं बाकी कितनी और आती है। तो अभी तो इसको काटेंगे यहाँ से, हरी हरी सी दिख रही है अभी, सही तरीके से ताई नहीं है पूरी। हैरान ही होगा तो हमारी जीजी रे तो हैरान होगी बिल्कुल ही। जीजी को छोटा सा मुंडो हो रहा है देखो, छोटा सा मुंडो हो रहा है हमारी जीजी को, क्योंकि है ना सुबह से लगे रहते हैं हम बिल्कुल। थोड़ी बहुत कोई ठावस खाते नहीं, ठावस भी नहीं खाते हैं। तो अभी तो हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर एक ओटी तो कम से कम लगा के ही जाएंगे। पापा जी पूड़ी लगाएंगे। तो अब काट लिए सरसों, अब बज गए 5, अब जा रहे हैं घर पे। घर पे भी बच्चे बुला रहे हैं बार बार कि मम्मी आ जाओ भूख लग रही है, तो उनको भी दूध कुछ चाय बिस्कुट जो भी मांग रहे हैं वो देंगे। अब चल दिए तो अब जा रहे हैं हम। तो आज इस पहाड़ी पाप पहुँचे हैं ठेठ यहाँ पे, तो ये मोरी निकल जाते हैं थोड़ा तो। हाय सु, क्या बोल रहा है सु? इधर बोलो, चाय बनाओ। अच्छा दूध चाय। तो अभी तो देखो भैंसों के नीचे बहुत सारा गोबर पड़ा है तो सबको उठाना है। तो अब हो गया है बिल्कुल शाम, अंधेरा हो गया है, मतलब सारा काम फ्री हो गया है मेरा। तो खेतों में से आने के बाद सबसे पहले बच्चों के लिए दूध बनाया था, फिर उसके बाद भैंसों को चारा वारा डाल के छानी कर दी थी। तो अभी बच्चे मतलब कुछ खाने में लगे हुए हैं, तो अभी बताते हैं वो क्या खा रहे हैं सबको। और उनके जैकेट भी लिया डोल रही हूँ क्योंकि कभी खापे कभी खापे कपड़े भी खेरे रखते हैं ये सभी। तो इनके लिए बनाया था चावल, भूख लग रही थी इनको बहुत ज्यादा। हेलो करो बेटा। हेलो दोस्तों, क्या खा रहे हो? चावल। चावल खा रहे हैं ये लोग, चावल खा रहे हो? अब कपड़ा भी फैल लीजिए, जैकेट आओ। तो अभी ताली और भी काम है, फिर खाना भी बनाना है मेरे को। बोलो हेलो दोस्तों करो। हाँ बोलिए ना। तो अभी तो खा लीजिए ऐसे बोल रहे हैं सो, क्या आप भी खा लीजिए दोस्तों, चावल बनाए थे। तो अभी तो और भी काम है, खाना बनाऊंगी मैं, अभी खाना नहीं बनाया। तो ठीक है दोस्तों, बाय। आज का व्लॉग कैसा लगा हमारा? शायद आप सभी को अच्छा लगा होगा।
ठीक है, बाय।